शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है जज साहब, मैंने चोरी नहीं की। यहाँ रमा ने मेरी बहन को शादी में तोहफे के तौर पर दिया था, ये भी मेरे दुश्मनों की कोई नई साजिश है। जरूर उन्होंने रमा के जाली सिग्नेचर किए हैं। आप रमा को बुलाइए, वो इनके झूठ को एक पल में बेनकाब कर देगी। मनोरमा देवी को बुलाया जाए। मनोरमा देवी हाजिर हो, मनोरमा देवी हाजिर हो। मनोरमा देवी, क्या यह हार आपका है? मुल्जिम का कहना है कि यह हार आपने मुल्जिम की बहन को शादी में तोहफे के तौर पर दिया था, क्या यह सच है? बोलिए मनोरमा देवी, जवाब दीजिए। आप खामोश क्यों हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं देती? मनोरमा देवी, अदालत आपसे जानना चाहती है, बताइए आपने इस हार की चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, क्या यही वो रिपोर्ट है और ये दस्तखत आपके हैं? जवाब दीजिए, अदालत को सच क्या है बताइए, आप बोलती क्यों नहीं? आप क्या सोच रही हैं मनोरमा देवी, जवाब दीजिए, क्या ये दस्तखत आप ही के हैं? जी हाँ, ये मेरे ही दस्तखत है। रमा, तुम होश में तो हो? जिंदगी में पहली बार तो होश आया है, पहली बार प्यार का असली चेहरा देखा और उसके मीठे मीठे शब्दों के पीछे छुपे हुए खतरनाक इरादे भी नजर आए। प्यार इतना बड़ा धोखा हो सकता है, ये मुझे पहली बार एहसास हुआ। रमा, तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रही हो? जज साहब, इसमें दबाव डाला जा रहा है। जब मैंने तुमसे प्यार करते वक्त किसी के दबाव की परवाह नहीं की, तो आज अदालत में बयान देते वक्त किसी के दबाव की परवाह क्यों करूंगी? मेरा प्यार मेरी मर्जी था, मेरा बयान भी मेरी मर्जी ही है। अजय, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें मुझसे ज्यादा मेरी दौलत प्यारी है। भूल गई थी मैं कि जब तुम जैसा कोई गरीब मुझ जैसी अमीर लड़की से प्यार करता है तो वो सिर्फ एक नाटक होता है, अपनी बहन की शादी का दहेज बटोरने के लिए। धोखेबाज, अपनी दांत दिखा दी ना तूने? ऑर्डर ऑर्डर, गिरफ्तार करो इसे। अमीर गरीबी की बात करती है? अरे खिलवाड़ किया तूने हमारी जिंदगी से, अब इसके लिए यू चीट। जी, आपने जो कहा मैंने किया, मैंने अपने आप को अजय की नजरों में गिरा दिया। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा, अपने प्यार का गला घोट दिया मैंने, अपना सब कुछ लुटा दिया। अब तो माजी को छोड़ दीजिए। रणबीर, बुढ़िया को आजाद कर दो। नसीब भगवान किसी को न दे। अभी अभी तो बेटी की डोली उठी थी और आज इसने खुदकुशी कर ली, न जाने कौन सा पहाड़ टूटा था बेचारी। अरे पहाड़ टूटा तो झेल लेती, यहाँ तो आसमान टूट पड़ा है बेचारी पर। बेटा चोर निकला, ये बेटी ससुराल में बदनाम। छी छी छी, अरे कौन गैरतमंद माँ इतना बर्दाश्त कर सकती है? अरे जिसे पाला पोसा बड़ा किया वही मुँह काला करके चला गया। अरे 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 अरे, बेचारी भगवान के पास भी मुंह छुपा छुपा कर गई होगी। कमाल है, कैसे हराम के पिल्ले को जना था। वो कहते हैं ना
चोर की अम्मा काले कोठरी में मुंह छुपाए। ऐसी नलायक औलाद को पैदा करने के बाद मुंह क्या छुपाती बेचारी, खुदकुशी तो करनी थी ना, और कोई चारा नहीं था उसके पास। जैसी भी थी हमारे इलाके की थी, इसकी औलाद ने इसे जीने नहीं दिया, इस बात का हमें अफसोस है, लेकिन इसकी मृत्यु का सम्मान करना हमारा फर्ज है। इसके अंतिम संस्कार की पूरी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेते हैं। लाला जी, देखना इंतजाम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझे? बिल्कुल। रोको, बेवकूफ औरत, बड़ी चली थी हमें शराब देने, लेकिन ये भूल गई कि सती कभी शराब देती नहीं। तूने ही कहा था ना कि उन दोनों की प्यार की धारा को हम रोक नहीं सकते। हमने रोका ही नहीं, बल्कि वो जहर मिला दिया है कि अब एक की आंखों से खून के आंसू टपकेंगे तो दूसरे की आंखों से नफरत का तेजाब। इस कागज पर साइन करवाए और देखता क्या है, कोई तेरी जायदाद नहीं लिखवा रहे मैं अपने नाम पर। यह तेरी मां के अंतिम संस्कार करने के सरकारी कागज है जिन पर तेरा साइन होना चाहिए। और तेरा क्या भरोसा, कल तू उठ खड़ा हुए और कहने लगे कि तेरी बुढ़िया ने सुसाइड नहीं किया, उसका किसी ने मर्डर किया था, और पुलिस पे तहकीकात ना करने का झूठा इल्जाम लगा दे। तेरी बहन बहुत समझदार है, उसने सहन कर दिया है, तू भी कर दे, चल कर दे कर दे। और तेरी जगह कोई और मुजरिम होता तो मैं उसे उसकी मां के अंतिम संस्कार के लिए जाने देता, मगर तुझे मैं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तूने टिप्पण सिंह पर हाथ उठाया था, मैं तुझे ये कभी भूलने नहीं दूंगा। चला गोली। नहीं नहीं, Ha ha ha!